समझ में आ जाती है, भक्तों की कथा नहीं आती। सूरदास जी का पावन चरित्र है, तो श्री सूरदास जी कौन है? भगवान के ऐसे भक्त जिन्होंने इतने पदों की रचनाएं की, इतने पदों की रचनाएं की, इतना कीर्तन जीवन में किया, इतना भजन जीवन में किया कि सर्वस्व नेत्र ना होते हुए भी हरि का दर्शन इनको भाष्य हो जाता था। लीला भाष्य होती थी श्री सूरदास जी को, और अपने पूरे जीवन काल में सूरदास जी ने 125,000 पदों को लिखा। 125,000 पदों को लीला भाष्य करते हुए दर्शन किया। तो श्री सूरदास जी पूर्व जन्म में कौन है, किसके अवतार हैं श्री सूरदास जी? बंधुओं, श्री सूरदास जी उद्धव जी के अवतार हैं। कैसे हुआ ये, इसके पूर्व में पहले चलना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत आप सभी ने श्रवण की है, उद्धव जी के प्रसंग को सभी ने श्रवण किया है। उद्धव जी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी हैं उद्धव जी, लेकिन उद्धव जी के पास प्रेम नहीं है बंधुओं। और देखिए, मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, सब कुछ हो जीवन में लेकिन प्रेम ना हो। मैंने कल निवेदन किया है कि चौपाई हर भक्त में जुड़ी मिलेगी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल केवल प्रेम, केवल प्रेम। सब कुछ हुआ लेकिन भगवान से प्रेम ना हुआ, सब कुछ ना होने के बराबर है। उद्धव जी के पास ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं। और आज देव की मैया ने, जब भगवान मथुरा आए थे जी, जब की लीला की बात है, तो देव की मैया ने सुंदर भोजन बनाया भगवान के लिए, और जैसी थाली लगाई, थाली लगा करके थाली में माखन भी परोसा और भगवान से निवेदन किया भोजन कर लो, जैसी कन्हैया आकर के आसन पर बैठे बंधुओं, भगवान के नेत्रों से अश्रु प्रपात हो रहा है। भगवान ने थाली देख करके उठ गए, भोजन नहीं किए, उठ करके फूट फूट करके रोने लगे अंदर जाकर। वसुदेव जी को देव की मैया ने समझाया, न जाने क्यों कन्हैया इतने दिन बाद मिला, आज मैंने भोजन की थाल परसी, मुझे तो लगता है यशोदा ने इसको ऐसे लाड़ पार से प्यारा है, पाला है, मैं इसकी सेवा नहीं कर पा रही। वैसी उद्धव जी को बुलाया, उद्धव जी ज्ञान के सागर हैं। उद्धव जी गए, कन्हैया तुम क्या कर रहे हो, मैया ने तुम्हें भोजन खिलाने के लिए थाल लगाई, तुमने मना कर दिया। कन्हैया यो तू का करे, तेरी बच्ची, तेरी बात अच्छी ना है कन्हैया, मैया तो से इतनो प्रेम करे, देख तेरे लिए मैया ने तस्मई बनाई, मालपुआ बनाए कन्हैया, और तुहे सबसे ज्यादा पसंद माखन है, तुहे देव की मैया ने माखन परोसो। भगवान बोले, उद्धव बस इसी बात की चिंता है कि जिन गोपियों के लिए जिस माँ से कह के आया, कल मेला देखूंगा, परसों वापिस आ जाऊंगा, परसों के बरसों बीत गए लेकिन मैं वापिस ना जा सका, और ये माखन जो मेरी यशोदा माँ मुझे ताजा ताजा भा करके खिलाती थी, ये माखन मुझको उन ब्रजांगनाओं की याद दिलाता है, यशोदा की याद दिलाता है। उद्धव मैंने तो इस माखन को ब्रज में ही छोड़ दिया, जब से आया ब्रज से तब से माखन छोड़ दिया। आप दर्शन करिए, भगवान ने जब वृंदावन छोड़ा उसके बाद माखन को हाथ नहीं लगाया भगवान ने।
बंधुओं भगवान मानो ये कहना चाहते हैं, मैं मेरी जो भी लीला करता हूं मेरे भक्तों के लिए करता हूं। उद्धव जी कह रहे हैं, कन्हैया तुम इतने मोही हो, उसके बाद भी तुमको मोह व्याप रहा है गोपियों का, इतने मोही हो। भगवान कहे उद्धव तुम्हारे पास ज्ञान तो है लेकिन प्रेम नहीं है। और उद्धव से कहा, अगर तुमको प्रेम का दर्शन करना है ना तो एक बार वृंदावन चले जाओ उद्धव। आज भगवान ने उद्धव को वृंदावन जाने के लिए कहा। देखिए उद्धव जी ने कभी अपने स्वयं के नए वस्त्र नहीं पहने, ठाकुर जी जो वस्त्र प्रसाद देते थे उन्हीं को ही उद्धव जी ने सदैव धारण किया है बंधु। और आज भगवान के पहने हुए वस्त्रों को उद्धव जी को दिया, भगवान ने वस्त्र को धारण किया और कह देना जाकर के उन ब्रजांगनाओं से, माँ यशोदा से, कि कन्हैया तुमको नित्य याद करता है। उद्धव कहते हैं, कन्हैया अभी जाता हूं, ऐसा ज्ञान सिखाऊंगा कि कुछ ही समय में वापस आ जाए। निकल गए उद्धव जी रथ पर बैठे और जो वृंदावन गए बंधुओं, वृंदावन जैसे ही उद्धव जी प्रवेश किए, गोपियों का विरह इतना प्रबल है, उस विरह की आग ने उद्धव के मन को पिघलाना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उद्धव जैसे ही प्रवेश किए, मां यमुना जैसी एक नदी दिखी, एक गोपी आई, लगता है कन्हैया आ गए। श्री किशोर जी से बोला, पीतांबर वस्त्र में कन्हैया आ गए। किशोर जी कहती, वो नहीं आएगा, वो छोड़ के चला गया। कोई गोपियां नहीं उठ रही बंधुओं। और अब एक गोपी से जैसे उद्धव जी ने पूछा, नंदरानी का महल कहाँ है बंधुओं, दर्शन करिए आप, प्रेम कैसा है। इस प्रेम के लिए माँ यशोदा ने उस दिन से इतना रोई, ये गोपियों ने रो रो करके प्रेमाश्रुओं की नदी को प्रकट कर दिया बंधुओं। यह है प्रेम की उच्च अवस्था। आज उद्धव जी से पूछा, गोपी ने जवाब दिया, ये नदी जिस जगह पे जाकर के विश्राम दे दे, समझना वही नंद भवन है, वही नंद भवन है। और जैसे उद्धव जी नंद भवन में पहुंचे हैं, नंदरानी अंदर से कह रही है, आवाज ना करो, अभी मैंने लाला पढ़ायो है, अभी पोड़ियो है मेरो लाला, अभी मैंने पालना में सुलायो है, आवाज मत करो। उद्धव ने ये बात सुना बंधुओं, उद्धव जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया बात को सुनकर। कन्हैया मथुरा में है, मैया कह रही है सो रहा है, कैसा दर्शन है बंधुओं। और जैसी श्री उद्धव जी नंद बाबा से मिले, नंद बाबा कहते हैं, उद्धव जिस दिन से वो गया है उस दिन से ना खाती है ना पीती है ना सोती है, दिन रात एक ही बात कहती है, कन्हैया में से कौन सी गलती हो गई, मोह छोड़ के चले गए, एक बार मैंने वाय उखल से बांध दियो, क्या बा उखल को बदला लेवे के ताए अपनी मैया छोड़ के चलोगो, क्या कारण है मेरे कन्हैया मोह काय छोड़ के चलोगो। ऐसे भाव आज नंदरानी को व्याप रहे हैं बंधुओं। उद्धव जी जैसे अंदर गए, दर्शन किया माँ यशोदा का, अंक में भर लिया, नंदरानी ने कहने लगी, मेरा कन्हैया कहाँ है, कैसा है। उद्धव जी ने आज सारी बात बताई बंधुओं। अभी भी उद्धव जी का ज्ञान पूरी तरह से नहीं पिघला, क्योंकि श्री किशोरी जी की कृपा भी उद्धव जी पर नहीं हुई बंधुओं। जब तक बरसाने वाली की वर्षा जीवन में नहीं होगी, भागवत भक्तमाल ग्रंथ समझ में नहीं आ सकता बंधुओं। जब तक समझ में नहीं आ सकता,